बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ ओपन द बुक्स सोशल स्टडीज फॉर क्लास प्रेप। मूव ऑन द पेज नंबर 26 एंड यूनिट नंबर 3। इन यूनिट नंबर 3, इन दिस यूनिट इन चैप्टर नंबर 1 वी रीड अबाउट द हेल्दी फूड्स। वी रीड अबाउट द हेल्दी फूड्स। We all want to stay healthy and well. यानी हम सब जो हैं वो हेल्दी और अच्छा रहना चाहते हैं, हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? To maintain good health, our body needs healthy food and regular exercise. यानी अच्छा रहने के लिए हमें अच्छी खुराक की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को अच्छी खुराक के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ए बैलेंस्ड डाइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलनेस। यानी एक जो बैलेंस्ड डाइट होती है वो हमें बीमार होने के जो हमारे रिस्क हैं उसको रिड्यूस कर देती है, उसको कम कर देती है। अब हेल्दी फूड में हमें बच्चों क्या क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड में ये देखें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, यानी दूध और उससे बनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हम लोग हेल्दी रहें। और हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारी जो है वो एक बैलेंस डाइट यूज़ करेंगे तो हम लोग हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। उसके बाद है फ्रूट, यानी हमें अपनी खुराक में फ्रूट्स को इस्तेमाल करना चाहिए और फ्रूट्स को इस्तेमाल करने से हम लोग जो हैं वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, जिससे हमारी इलनेस के जो रिस्क हैं यानी हमारे जो बीमार होने की जो वजूहात हैं वो कम होती हैं। उसके बाद है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। यानी ये हमारी जो खुराक है उसका बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है, ये हमारी जो है हेल्थी डाइट में शामिल होते हैं। और अगर हम लोग इसको अपनी डेली बेसिस पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। उसके बाद ग्रेन्स हैं, यानी दालें हैं, दालों का इस्तेमाल है, ये भी हमारी खुराक का एक हिस्सा है। और अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएँ, एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें तो जो है हम लोग बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। चिकन, मीट एंड फिश। इसके अलावा है चिकन है, मीट है एंड फिश है, ये जो है इसके इस्तेमाल से जो है हम लोग एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी डाइट इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। नट्स हैं, यानी ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें हमारे पास पीनट है, इसके बाद आम्स हैं, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग नट्स का नाम देते हैं, ये हमारी खुराक का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और हम लोग जो हैं ये हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। इसलिए नट्स को भी हम लोगों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। उसके बाद इसी तरह यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग आप कह सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि ईट हेल्दी फूड्स। यानी हेल्दी फूड्स जो हैं उनको हम लोग किस तरह हेल्दी रह सकते हैं, तो उनको खाना है और उनकी उनको हम लोग कैसे खाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स टू बी हेल्दी। यानी हमें हेल्दी रहने के लिए जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको भी सही रखना चाहिए। यानी उनको भी जो है जैसे ये है, वी मस्ट ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, यानी आप जो है वो दिन में 2 दफ़ा जो है वो दूध का इस्तेमाल करें। वी मस्ट च्यू आवर फूड स्लोली। और इसी तरह हमें जो अपनी खुराक है उसको चबा के, यानी उसको आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाना चाहिए ताकि वो जो है वो हमारे जो स्टमक है उस पर बोझ ना बने, स्टमक जो है वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो हज़म कर ले, डिज़ोल्व कर ले। इसके अलावा है वी मस्ट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। यानी हम लोगों को फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं खाने से पहले जो है वो अच्छे से धोना चाहिए, उनको धो के इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है, वी मस्ट वॉश आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जो है अपने हाथ और अपना मुंह जो है वो अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। ये हेल्थी हैबिट्स में आता है जिससे हम लोग जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। वी मस्ट ईट मोर रॉ वेजिटेबल्स। यानी हम लोग को जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, जो कच्ची सब्जियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो है हम लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3,
स्टेइंग हेल्दी, अब हम लोग कह रहे हैं व्हाट आई ईट, यानी हमें ब्रेकफास्ट में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, उसके बाद डिनर में. इन ब्रेकफास्ट वी मस्ट यूज़ जैम, बटर, यानी हमें ब्रेड इस्तेमाल करना चाहिए, एग, मिल्क एंड पराठा, यानी इन ये जो है ये एक हेल्दी फूड में आती हैं और आप इनको अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें. उसके बाद है लंच, रोटी, फ्रूट, कड़ी, सलाद, दाल एंड योगर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग लंच में खाएंगे तो हम लोग जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारेंगे. उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिनर में. डिनर में हमें ग्रिल्ड मटन है, डेजर्ट है, सूप है, राइस है, सलाद है, और यानी ये सारी चीज़ें जो है इसको आप लोग अपने डिनर में इस्तेमाल करें. इसको आप डिनर में इस्तेमाल करने से आप जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारेंगे. यानी अगर आप लोग जो है वो सूप को, राइस को, सलाद को अपने डिनर में लेते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो आप लोग जो है वो जल्दी बीमार हो जाएंगे. अगर आप यही चीज़ें यानी सूप, राइस, सलाद और जो है ग्रिल्ड मटन है, डेजर्ट है, अगर आप इसको अपनी खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे क्योंकि ये एक हेल्दी फूड है. इन यूनिट नंबर थ्री, इन यूनिट नंबर थ्री, इन दिस यूनिट वी रीड अबाउट व्हाट एनिमल्स ईट. अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर थ्री में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं. व्हाट एनिमल्स ईट, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, यानी जो पौधों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. सम एनिमल्स ईट मीट, अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं. सम एनिमल्स ईट मीट, यानी वो गोश्त खाते हैं, वो गोश्तखोर जानवर होते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो प्लांट्स को भी और साथ साथ मीट यानी गोश्त को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसमें अब हम इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं. सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे जानवर हैं जो पौधे को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों यानी पौधे और गोश्त जो है दोनों को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं. स्टेइंग हेल्दी में अब हमारे पास चैप्टर नंबर फोर में आ रहा है, यू कैन गेट सिक इफ़ यू ईट दीज फूड्स आइटम्स, यानी इसमें कुछ फूड आइटम्स बताई गई हैं कि अगर आप लोग जो है इसको खाएंगे तो आप जो है बीमार हो जाएंगे. अब ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. सबसे पहले है टू मच ईटिंग चॉकलेट, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो यू विल गेट सिक, यानी आप बीमार हो जाएंगे क्योंकि ये एक हेल्दी फूड नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए. अगर आप इसको खाएं तो आप हफ्ते में या यानी एक दिन या इसको महीने में दो तीन दफ़ा यूज़ करें. अगर आप इसको डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आप जो है वो बीमार हो जाएंगे. इसी तरह यूज़ ऑफ लो क्वालिटी फूड्स हैं, यानी ऐसी फूड्स जो जिसकी क्वालिटी बहुत लो होती है. ये देखें यहाँ पे तस्वीर में उन्होंने दिखाया हुआ है, यानी ये एक ऐसी फूड्स हैं यानी जो लो क्वालिटी पर बनती हैं और ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप इसको इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है आप बीमार हो जाएंगे. नेक्स्ट है अनकवर्ड फूड, यानी वो चीज़ें या वो हमारी खुराक का हिस्सा जो कवर नहीं है, जिसपे जर्म्स हैं वो बन जाते हैं, जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ बैठने से उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं. अगर हम उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे, उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए. यानी वो चीज़ें जो कवर ना हो, वो खुराक जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, हम उनको इस्तेमाल ना करें. इन यूनिट नंबर थ्री अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फाइव में हमारे पास आ रहा है, वी शुड कीप आर सेल्फ क्लीन, यानी हमें जो है वो खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए. अब क्लीनलीनेस में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जिसको हम लोग अपनाएं तो हम अपने आप को साफ रख सकते हैं. वी मस्ट क्लीन एंड क्लिप आवर नेल्स, यानी हमें अपने नेल्स जो हैं उनको साफ करना चाहिए और उनको कट करना चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर हेयर एवरी डे, और हमें अपने बालों को रोज़ाना ब्रश करना चाहिए. वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे, और हमें जो है वो हमें रोज़ाना जो है वो बाथ लेना चाहिए. वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, और हमें जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. और उसके बाद है वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, और हमें जो है वो अपने दांतों को जो है वो
दो दफ़ा दिन में साफ़ करना चाहिए. वी मस्ट ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 32 एंड यूनिट नंबर 3. और यूनिट नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज एंड रेस्ट. यानी एक्सरसाइज एंड रेस्ट. एक्सरसाइज में हमारे पास आ रहा है वी मस्ट एक्सरसाइज टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. यानी हमें जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, जिसमें हम लोग हमारी बॉडी जो है वो मूव करे, यानी हमें इस तरह की क्रिकेट वगैरह है, फुटबॉल वगैरह है, ऐसी हमें गेम्स खेलनी चाहिए जिसमें हमारी फिजिकल जो है वो ग्रो, यानी फिजिकल मूवमेंट भी हो, उसमें हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम लोग हेल्दी भी रहेंगे. वी मस्ट एक्सरसाइज टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. यानी हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हम लोग हेल्दी रहेंगे. रेस्ट अब हमारे पास आ रहा है. रेस्ट यानी एक्सरसाइज एंड रेस्ट. वी मस्ट गेट एन स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स. यानी हमें कितने घंटे, हमें 8 घंटे जो है वो रेस्ट करनी चाहिए, 8 घंटे जो है हमें सोना चाहिए जिससे हम लोगों की जो है वो सेहत जो है वो अच्छी रहेगी. और एटलीस्ट यानी कम से कम जो है हमें 8 घंटे जो है वो नींद पूरी करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए जिससे हम लोग जो है वो हेल्दी लाइफ गुजार सकें. उसके बाद यूनिट नंबर 4. वी मूव ऑन द यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 इन चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे डेली वियर, यानी हम लोग जो लिबास इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में. सबसे पहले आ रहा है गर्ल्स वियर. गर्ल्स वियर शलवार कमीज, गर्ल्स वियर टॉप, स्लीपर्स, शूज, स्कर्ट्स, सैंडल्स एंड फ्रॉक. यानी ये वो लिबास है जो लड़कियां जो हैं वो यूज़ करती हैं, गर्ल्स वेयरिंग है. उसके बाद हमारे पास आ रहा है बॉयज़ वेयरिंग. इसमें है शर्ट्स है, टी शर्ट, बरमूडास, सैंडल्स, पैंट्स, शूज़, जीन्स एंड शलवार कमीज. यानी ये बॉयज़ वेयरिंग है, बॉयज़ वेयरिंग एंड गर्ल्स वेयरिंग. उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 1. अब मेंस वेयरिंग. टी शर्ट है, ट्राउज़र है, टाई है, शूज़, जीन्स, जॉगर्स, कोट एंड शलवार कमीज. दिस इज़ मेंस वियर. इसके बाद हमारे पास आ रहा है वुमेन्स वियर. वुमेन्स वियर्स में हमारे पास है जीन, कुर्ता, टॉप, शलवार कमीज, दुपट्टा, सैंडल्स एंड जॉगर्स. ये हैं वुमेन्स वियर. यानी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा गर्ल्स वेयरिंग, उसके बाद बॉयज़ वेयरिंग, नेक्स्ट अब हमारे पास आया मेंस वेयरिंग और वुमेन्स वेयरिंग. यानी हमारा जो लिबास है वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है. इसमें हम लोग इस चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट वी वियर, यानी हम लोग क्या पहनते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4 में आ रहा है डेली वियर में. व्हाट वी वियर में आ रहा है यूनिफॉर्म्स. यानी आप देखिए बच्चों, आप स्कूल आते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं. इसी तरह ये यूनिफॉर्म्स हैं. वी वेयर यूनिफॉर्म्स टू वर्क. यानी कुछ ऐसे जो हैं वर्कर्स हैं जहाँ पे, जैसे ये देखें ट्रैफिक वार्डन है तो उसका यूनिफॉर्म है, सोल्जर है तो उसका यूनिफॉर्म है, सिक्योरिटी गार्ड इज आल्सो वेयर इट्स यूनिफॉर्म, एंड पायलट है तो उसका भी एक यूनिफॉर्म है. यानी कुछ ऐसे यूनिफॉर्म्स हैं जो हम लोग जब काम करते हैं तो पहनते हैं. वी वेयर यूनिफॉर्म्स टू वर्क, यानी वो हमारे काम का हिस्सा है. तो ये हमने यहाँ पे हमने देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका यूनिफॉर्म कौन सा है, पायलट है, उसके बाद सोल्जर्स हैं, ट्रैफिक वार्डन है, तो उन सब का यूनिफॉर्म जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है. स्पेशल हेड गियर. यानी वी वियर दिस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द हार्म. यानी कुछ ऐसे स्पेशल वियर्स होते हैं, जिस वेयरिंग्स होती हैं जिसको हम लोग अपने आप को महफूज करने के लिए पहनते हैं. जैसे क्रिकेटर हेलमेट है, यानी वो हेलमेट पहनते हैं अपने आप को बॉल वगैरह से महफूज रखने के लिए, यानी उनका बॉल जो बाल है वो उनके सर पे ना लगे. इसी तरह सर्जन है, सर्जिकल कैप पहनते हैं अपने आप को जो है महफूज रखने के लिए, सर्जिकल कैप का यूज़ करते हैं. उसके बाद फायर फाइटर है, हेलमेट है, यानी फायर फाइटर जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो यानी फायर फाइटर यानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद माइनर्स डेवी लैंप है. इसी तरह ये कुछ ऐसे हैं जिनका ये हेलमेट होता है जो जिसको वो अपने काम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो इसको पहनते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 2 इन यूनिट नंबर 4 व्हाट वी वियर. यानी व्हाट वी वियर में हमारे पास आ रहा है
के क्लॉज फॉर डिफरेंट सीजन, यानी अब अगर सीजन है, कौन सा सीजन है, तो हमें कौन से जो है क्लॉज हैं वो यूज़ करने चाहिए. क्लॉज फॉर डिफरेंट सीजन्स, यानी सीजन वाइज अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. हॉट सीजन है, हॉट सीजन में हम लोग वी वियर टिनी लाइट क्लॉथ्स इन समर, यानी समर में जो है हम लोग जो है वो लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं. टिनी यानी थोड़े से जो टिन होते हैं, थोड़े से पतले होते हैं, उनको हम लोग अपनी जो है वो क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं इन समर्स में. अब कोल्ड सीजन है, अगर यानी अगर मौसम ठंडा है तो फिर हम लोग कौन से ड्रेसेस को यूज़ करेंगे, वी वेयर थिक वार्म क्लॉथ्स इन विंटर, यानी अगर मौसम ठंडा है तो हम लोग जो है वो मोटे गर्म कपड़े जो हैं उसको हम लोग अपने ये जो है ड्रेसेस में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट अब हमारे पास रेनी सीजन आ रहा है, यानी अगर बरसात का मौसम है तो वी वेयर क्लॉथ्स डैट सेव अस फ्राम गेटिंग वेट, यानी हम लोग इस तरह का लिबास इस्तेमाल करेंगे जो हमें गीला होने से बचाएगा. वी वेयर क्लॉथ्स डैट सेव अस फ्राम गेटिंग वेट, यानी जो हमें जो गीला होने से बचाता है हम लोग वो जो है लिबास को अपनी यानी यूज़ करेंगे इन रेनी सीज़न. यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर हॉट सीज़न है तो हम लोग कौन से कपड़े यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर मौसम ठंडा है तो हम लोग कौन से कपड़े इस्तेमाल करेंगे, और अगर मौसम जो है वो रेनी सीज़न है यानी बरसात का मौसम है तो हम लोग जो है वो कौन से कपड़ों को यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 कम्प्लीट होती है. बच्चों मुझे उम्मीद है आपने तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से सीख लिया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. चले मूव ऑन द यूनिट नंबर 5. आ गुड चाइल्ड. गुड चाइल्ड हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोग दूसरों की हेल्प करके हम लोग गुड चाइल्ड बन सकते हैं. इट इज़ गुड टू हेल्प ईच अदर, यानी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. हेल्प योर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए. व्हेन वी आर डूइंग स्टडी, तो यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में हैं, तो आप एक दूसरे की जो है आप एज ए फ्रेंड, अगर किसी को कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप उसको गाइड करें, उसकी हेल्प करें. उसके बाद हेल्प योर रिलेटिव्स, यानी अपने रिश्तेदारों की हेल्प करें, उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको देखें. उसके बाद हेल्प योर ब्रदर एंड सिस्टर, ये अपने जो बहन और भाई हैं उनकी जो है उनकी हेल्प करें. अगर वो आपसे छोटे हैं तो वो कोई काम नहीं कर सकते तो उनको वो काम करके दें, उनकी हेल्प करें. हेल्प योर मदर्स, यानी अगर आप जो घर में हैं तो अपनी मदर्स की हेल्प करें, खाना बनाने में या किसी और काम, सफाई करने में, बर्तन उठाने में आप अपनी मदर्स की हेल्प करें. बींग अ गुड चाइल्ड यू शुड हेल्प ऑल दीज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स एंड मदर टू मेक अ गुड चाइल्ड. We must share our things. अब हमारे पास आ रहा है sharing with others. In unit number 5, अब हमारे पास आ रहा है sharing with others. यानी हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को share करना चाहिए. We must share our things with others. यानी हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ share करना चाहिए. यहाँ पे आप देखें तस्वीरों में कि वो पानी है, वो बच्चे शेयर कर रहे हैं. इसी तरह ये आइसक्रीम है, ये लर्निंग कुछ पॉइंट्स हैं, इसी तरह ये बुक्स हैं और ये टॉयज़ वगैरह हैं, तो ये हमें एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए ताकि हम लोग सब जो है वो इसे इंजॉय कर सकें. नेक्स्ट है वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कुछ ऐसे काम हैं जिनके हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. इन गुड हैबिट्स में हमारे पास आ रहा है आई डू माई होमवर्क, यानी हमें जो है वो अपना घर का काम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए. आई पुट माई टॉय अवे आफ्टर प्लेइंग, यानी अगर ये हमें चाहिए कि हम लोग अगर अपने टॉयज के साथ खेल रहे हैं तो खेलने के बाद हम लोग अपने टॉयज को जो है वो उठाएं, वो जहाँ से लिए हैं उनको उसी जगह पे इकट्ठे करके रखें. दैट्स अ गुड हैबिट, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है अब अपने टॉयज को लें, उनके साथ खेलें और फिर उनको वापस अपनी जगह पे रखें. आई पुट माई टॉयज अवे आफ्टर प्लेइंग. उसके बाद है आई स्लीप ऑन टाइम, यानी टाइम से सोना चाहिए. वी मस्ट स्लीप ऑन टाइम, यानी हम लोग अगर टाइम से सोएंगे तो ये एक अच्छी आदत है, ये एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई गो टू स्कूल, हमें स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना चाहिए और जो है ये एक अच्छी आदत है जिसे हम दूसरे खुश होते हैं. आई हेल्प माई मदर, यानी अगर आप काम में अपनी मदर वगैरह की हेल्प करते हैं तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक जिम्मेदार बच्चे हैं, यानी आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं. इन यूनिट नंबर 5, इन चैप्टर नंबर 4,
वी ऑल हैव फीलिंग्स, यानी हम सब जो हैं वो कोई ना कोई फीलिंग्स रखते हैं. वी ऑल हैव फीलिंग्स, आई हैव फीलिंग्स, यानी आई फील सैड. जब आप परेशान होते हैं तो आप जो है वो सैड हो जाते हैं. जब आप खुश होते हैं यू फील हैप्पी. जब आप डरते हैं तो आप, यानी आई फील स्केयर्ड. और जब आप जो है आपको गुस्सा आता है तो यू फील एंग्री. यानी यहाँ पे जो है हम सब में कोई ना कोई फीलिंग्स होती है. मूड के साथ अगर हम लोग परेशान हैं तो हम लोग सैड फीलिंग्स रखते हैं. अगर हम लोग खुश हैं तो हम लोग हैप्पी फीलिंग्स रखते हैं. इसी तरह अगर हम लोग जो है वो डरे हुए हैं तो हम लोग स्केयर्ड फीलिंग रखते हैं. अगर हम लोग नाराज हैं, हमें गुस्सा आया हुआ है, तो हम लोग जो है वो एंग्री फील करते हैं. आई फील एंग्री. हम लोग जो है वो जब गुस्से में आते हैं तो हम लोग एंग्री हो जाते हैं. सेफ्टी रूल्स, यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में हमारे पास आ रहा है सेफ्टी रूल्स, चैप्टर नंबर 5. सेफ्टी रूल्स, यानी सेफ्टी रूल्स में हम लोग पढ़ते हैं वी मस्ट बी केयरफुल, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आर सेल्फ सेफ. यानी कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करें तो हम लोग जो है वो खुद को बहुत सारे नुकसान से महफूज रख सकते हैं. जैसे यूज इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट सेफ्टी कवर्स, यानी हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट्स जो हैं उनको सेफ्टी कवर कर डालने चाहिए ताकि हम लोग जो है वो उससे महफूज रह सकें. कीप फ्लोर्स फ्री ऑफ गटर्स टू प्रिवेंट फॉल्स, यानी हमें जो है फ्लोर्स को साफ करना चाहिए जैसे हम लोग फिसल ना सकें, हम लोग गिर ना सकें. डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा शार्प हों, जिससे आपके हाथ वगैरह कट जाएं, आपको नुकसान हो. उसके बाद कीप मेडिसन केमिकल्स एंड रेजर्स आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी अगर घर में मेडिसन वगैरह हैं, केमिकल्स वगैरह हैं या रेजर्स हैं, तो ये हैं, ये बच्चों से जो है वो उनको दूर रखें ताकि बच्चे जो हैं इसको ना पकड़ सकें. कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी, यानी आप जो है अपने हाथ में जो फर्स्ट एड किट होती है, यानी अगर आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है तो आपको जो है वो फर्स्ट एड जो किट होती है जैसे पायोडीन वगैरह या बैंडेज वगैरह सनीप्लास वगैरह, उसको अपने पास रखना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच, यानी जो मैच बॉक्स होते हैं यानी जिससे हम लोग अपने चूल्हे वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ मत खेलें. डू नॉट प्ले विद मैच, यानी अपने जो मैच बॉक्स है उनके साथ मत खेलें क्योंकि ये हमारे लिए सेफ्टी नहीं है. उसके बाद आ रहा है सेफ्टी रूल्स में अब हम लोग पढ़ेंगे स्कूल सेफ्टी. सेफ्टी रूल्स में हमारे पास आ रहा है स्कूल सेफ्टी. डू नॉट रन इन साइड द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में मत भागें. उसके बाद डू नॉट रन इन द कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस, यानी अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या कॉरिडोर है तो आप उसमें जो है वो दौड़े मत, यानी आप फिसल जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, इसलिए आप जो है वहाँ पे मत दौड़े. वॉक स्लोली ऑन स्लिपर सरफेस, यानी अगर जमीन जो है वो स्लिपर है यानी आपको स्लिप होने का डर है तो आप वहाँ पे आहिस्ता चलें. नेवर पुश ईच अदर, एक दूसरे को पुश मत करें, एक दूसरे को मत धक्का दें, जो है ये स्कूल सेफ्टी में आता है. यानी आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको धक्का मत दें. अगर यहाँ पे स्लिपर सरफेस है तो आप वहाँ पे आहिस्ता चलें, ये सारे स्कूल सेफ्टी में आता है. उसके बाद है प्लेग्राउंड सेफ्टी. प्लेग्राउंड सेफ्टी, प्लेग्राउंड सेफ्टी में है डू नॉट थ्रो स्टोन्स स्टिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स डैट माइट हॉट समवन्स, यानी ग्राउंड में आप जो हैं वो कुछ स्टोन स्टिक्स कोई ऐसी चीज़ें ना फेंकें जिसे दूसरे जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं, जिसे दूसरों को कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है. उसके बाद है डू नॉट रिस्टल आर फाइट विद अदर चिल्ड्रंस, यानी दूसरों के साथ जो है वो मत लड़ें, उन पर जो है वो रिस्टल यानी उनको तंग मत करें, उनके साथ फाइट मत करें. ये भी जो है ये हमारे पास प्लेग्राउंड सेफ्टी में आता है. स्टे विद इन द प्लेग्राउंड एरिया, यानी जो प्लेग्राउंड एरिया है उसमें जो है उसके अंदर अंदर रहें, उससे बाहर मत निकलें. उसके बाद वेट फॉर योर टर्न, अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, अगर आप यानी आप प्लेग्राउंड सेफ्टी में आप कोई चीज़ यानी खाना चाहते हैं ब्रेक में, तो उसके लिए आप जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करें, दूसरों को धक्के मत दें कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करें. वेट फॉर योर टर्न, यानी आप अपनी बारी का इंतजार करें. मूविंग ऑन लैंड, मूविंग ऑन लैंड में हमारे पास आ रहा है
यहाँ पे अब हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने प्लेग्राउंड सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी और इसके इसमें पढ़ा। और मुझे उम्मीद है बच्चों आपने ये तमाम पॉइंट्स जो है वो अच्छे से जो है वो सीख लिए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।